गुरु माँ रुक्मणी जी से निशुल्क मिले। हर गुरुवार जनता दरबार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जय श्री देव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि अपने नाम के अनुसार आप अपने पर्स में कौन सी वो तीन चीजें रखें जिसे रखने के बाद आपको धन की समस्या कभी नहीं आएगी और दिन रात आपकी उन्नति भी होती जाएगी। धन संबंधी उपाय बताने मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया होते हुए देखना चाहती हूँ। आपने कभी सोचा है इतने सालों बाद भी क्यों इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो भारत जिसे लूटने के लिए, कब्जा करने के लिए पूरे विश्व से लोग आए, आज वो बिछड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी संस्कृति भूल रहा है। भारत आत्मा का जो विशेष ज्ञान उसे था वो भूल रहा है। ईश्वर से एक होने का जो विज्ञान उसके पास है वो उसे भूल रहा है। लोगों की आस्था बिखर रही है। लेकिन मैं आपकी गुरु मां रुक्मणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आपको बार बार वही ज्ञान, वही रहस्यमय बातें, वही जीवन उपयोगी उपाय और टोटके याद दिलाने के लिए इस चैनल के माध्यम से बार बार आ जाते हैं। और इस ज्ञान को पाने के बाद आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी, आपको कभी भी जीवन में धन की तंगी नहीं होगी, आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कर्जे वाले जो आपको परेशान किए हुए हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे और बिना कर्जों के, बिना बोझ के चैन की नींद आप सो पाओगे। वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। और शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर गुरु माँ का लंबा वीडियो देख करके पक जाते हो तो मेरा कहना है कि ढंग से पक जाओ, क्योंकि अगर पकोगे नहीं ना तो अपने काम नहीं आओगे, कच्चे रह गए तो तुम्हारा कोई मोल नहीं है। गुरु हूं, माँ भी हूं, चिंता तो है मुझे आपकी, इसीलिए कभी प्रवचन देती हूं, कभी ज्ञान देती हूं ताकि सुधर जाओ, अपने जीवन में कुछ कर लो, चिंता है मुझे आपकी। तो चलिए आज के ज्ञान से शुरू करेंगे। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। न चौर हार्यम न च राज्य हार्यम न प्रात्र भाज्यम न च भारकारी व्यय कृत वर्धत एव नित्यम व्यय कृत वर्धत ज्ञान धनम सर्व धन प्रधान। ये जो ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रही हूं, ये ज्ञान जो है अनमोल है, ये ऐसा धन है, ऐसा धन है कि कोई तुमसे चोर चोरी कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा चोर हो। अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर बस गया, अगर तुमने जीवन को जीना सीख लिया तो भाई भाई में इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता, सरकार इस पे टैक्स भी नहीं लगा सकती। शास्त्र कहते हैं ये बात, ज्ञान एक ऐसी चीज है, इसको रखने में कोई जगह नहीं लगती, इस ज्ञान का कोई बोझ नहीं, जितना बांटो जितना पाओ जितना दो ये बढ़ता रहता है। अब बताने जा रही हूं कि पर्स में क्या रखना है, लेकिन उससे पहले पर्स को तो समझ ले, पर्स से संबंधित कुछ टिप्स प्राप्त कर ले, क्योंकि मैंने देखा है लोगों का पर्स तौबा रे तो क्या करते हो, जैसे घर में तिजोरी होती है, अलमारी में तिजोरी रखते हो, दुकान में गल्ला रखते हो, वैसे ही हमारे शरीर पर ये पर्स एक तिजोरी होती है। लेकिन इस तिजोरी का क्या बुरा हाल बनाते हो, तो इसीलिए पर्स की पहले कुछ टिप्स दे रही हूं, उसके बाद ये दैविक चीजें, भगवान की दिव्य चीजें कैसे उसमें रखनी है बताऊंगी। ये उपाय वैसे बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई पूजा नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है,
लेकिन कुछ नियम है, कुछ चीजों की सावधानियां है, उसका ध्यान रख लो बस। अब सबसे पहली समस्या मैंने लोगों के साथ देखी है, जब भी अपने पर्स को रखते हैं सालों सालों उनका पर्स वही रहता है, जगह जगह से फट रहा है, उधड़ रहा है, उसमें छेद हो गया, आपको कोई चिंता ही नहीं। अगर ऐसा कोई पर्स है तो भैया अभी बदल दो, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे पर्स में कहां टिकेंगे। उनको बुलाना है तो एक अच्छा आसन भी दो, इसलिए पर्स कभी भी फटा हुआ, खराब, उधड़ा हुआ, छेद वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा है खासकर लेडीज के साथ ये समस्या देखी है, जब भी पर्स होता है ना आपका, उसमें सारे जहान का सामान होता है। मुझे तो लगता है कि अगर हम उसमें से कुछ भी मांगेंगे ना, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, वो लेडीज के पर्स में से निकल सकता है। वो इतना सामान क्यों? पर्स जो है उसमें उपयोगी सामान रखिए, उसे बार बार साफ करते रहिए। आपका पर्स जैसे घर को साफ रखती हो, जैसे किचन को, रसोई को साफ रखती हो, वैसे ही पर्स की भी सफाई बहुत जरूरी है। पर्स आपका साफ सुथरा रहेगा, उसमें व्यर्थ के कागज, पेपर, पेंसिल, रबड़ और न जाने क्या क्या सामान अगर नहीं होगा तो धन की बरकत होगी। तो उसे साफ सुथरा रखे, अच्छा रखे, मेंटेन करके रखे। नियम मान सकते हैं कि हर 15 दिन में उसकी सफाई करें। और पर्स में खासकर लेडीज को कहूंगी एक छोटा वॉलेट भी रखें, क्योंकि ये जो उपाय है आप उसी वॉलेट के अंदर कर सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कहीं से धन लेकर के आ रहे हैं, आपके घर में धन आ रहा है या आपके हाथ में पैसा आ रहा है, तो उसे पर्स में जरूर रखें, चाहे उस पर्स में से आप खर्चा कर लें। पर्स कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और आजकल तो डिजिटल युग है, मैं देख रही हूँ लोग पैसा रखते ही नहीं, पेटीएम बहुत है या उनके लिए यूपीआई बहुत है, फोन पे बहुत है, फोन ही आज उनका अकाउंट बन गया है, फोन ही आज उनका वॉलेट बन गया है। लेकिन पर्स के अंदर हार्ड कैश जरूर होना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा रखें लेकिन जरूर रखना चाहिए। सब कुछ डिजिटल मत करिए। एक और बड़ी खास टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप एक नोट या कोई सिक्का या इस मात्रा में भी रख सकते हैं, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, वो हमेशा ही अपने पर्स में बनाए रखें, उसे कभी भी खर्च ना करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि धन ही धन को खींचता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं मुझसे आशीर्वाद लेके भी जाते हैं, तो अपने गुरु द्वारा आप आशीर्वाद ले सकते हैं और उस धन को मौली बांध करके अपने पर्स में रख सकते हैं, ताकि वो आपके हाथ से कभी भी खर्च ना हो। पर्स को भी आपको चेंज करके रहना चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सालों साल एक ही पर्स को रखें। मेरे अनुसार तो हर दिवाली को आपको अपना पर्स बदल लेना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद दिवाली के पूजन में आप रख करके नया पर्स चेंज करें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पास पूरे साल भर बनी रहे। अगर आपको लगता है कि आपके धन को नजर लग जाती है, आपके पैसों को नजर लग जाती है, बहुत जल्दी आपके पास पैसा आता है और एकदम हाथ से निकल जाता है, तो ऐसे में आपने जो भी अपने गुरु धारण किए हैं उनका एक फोटो भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। और पर्स को भी राशि अनुसार खरीदेंगे, अपने नाम के अनुसार खरीदेंगे, उसके कलर को तो बहुत अच्छा रहेगा, वो भी मैं आगे बताने वाली उपाय में, लेकिन पहले कुछ और बातें बतानी आपको जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में धन जो है टिक नहीं रहा, जैसे ही पैसा आता है खर्च हो जाता है, जीवन में बरकत नहीं कर पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे, सालों हो गए हैं काम करते हुए लेकिन अभी तक घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, पता ही नहीं लगता धन चला कहां जाता है, व्यर्थ के खर्चे सामने आ जाते हैं। बरकत के लिए, आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमने हमारे शनिपीठ मंदिर से एक सन मनोकामना सिद्धि लॉकेट तैयार किया है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से मंदिर सिद्ध किया है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है धन संबंधी, तो आप इस लॉकेट को हमारे शनिपीठ मंदिर से मंगवा सकते हैं। चलिए उसके बारे में और जानते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पर्स में आपको क्या क्या रखना है। जय शनिदेव।
सभी की समस्या का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मणि लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। नौ रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शनि। जय सीताराम जी, मैं यूएसए से अमिता शुक्ला बोल रही हूँ और मैं माता जी के संपर्क में आई करीब 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे सेटल नहीं थे। मेरा बड़ा बेटा जो मेडिकल स्कूल में जा रहा है, 3rd ईयर में है और वो अपने एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहा था तो उसे बहुत स्ट्रगल हो रहा था। वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स में, तो माता जी ने उसको बताया, उसकी जन्मपत्री देखी, उसको रिंग दी कि ये रिंग पहनो। तो अभी रिंग पहनने हुए अक्टूबर से रिंग पहनी है, शायद अक्टूबर या नवंबर से, तो यानी कि अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे रिंग पहने हुए। और उसको उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया है, मतलब यहाँ पर 70% पासिंग नंबर होते हैं तो प्रतीक के 85-99% एक सब्जेक्ट में तो 99 आया है, बाकी में 85-88 ऐसे उसके नंबर आए हैं। जैसा माता जी ने कहा था वैसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी भी जन्म कुंडली दिखाई, सब तरफ से परेशान थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ससुराल वालों ने बिल्कुल ही हस्बैंड के जाने के बाद एकदम ही संबंध ख़त्म कर दिया, किसी तरह की कोई मदद नहीं, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था कि फाइनेंशियल तो फॉरगेट अबाउट इट, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था उन लोगों का। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, सब तरफ इधर उधर मैं भटक भटक के सब पंडितों के पास जा जा के जन्मपत्री दिखा दिखा के परेशान थी। और मेरे लिए भी माता जी ने रिंग बना रही हैं और मुझे जो भी रेमेडीज पूजा पाठ बताई है वो भी मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे की भी बनवाई तो माता जी ने उसके छोटे बेटे के लिए भी रिंग बनवाई है। तो यानी कि मैं सब तरफ से परेशान थी कि हस्बैंड की डेथ को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं तो मैं पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी। और उधर बच्चे की पढ़ाई का भी मुझे बहुत टेंशन था कि मेडिकल स्कूल का इतना खर्चा है, कैसे सब होगा। तो माता जी ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, मतलब मेंटल सपोर्ट भी दिया, पूजा पाठ भी उन्होंने बताया और रिंग वगैरह भी दी है। तो बस आप लोगों से मेरा एक यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी रेमेडीज या पूजा पाठ माता जी बताती हैं आप पूरे विश्वास से करो और ज़रूर फल देगा। माता जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सारे काम पूरे होंगे। मैंने तो अब चिंता करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी तो मैं तो अब आराम से सोती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि माता जी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी पूजा पाठ या रिंग वगैरह वो बताती हैं वो आप लोग करिए। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा पाठ का आंसर नहीं होती थी,
पाँच छः सालों से मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई काम नहीं बनता था। फिर माताजी ने मुझे जिस तरह से बताया कि बेटा इस तरह से तुम पूजा करो, और उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिया, जो भी मुझे पूजा पाठ बताई, फिर मैं वैसे ही करती हूँ। एकदम माताजी को अपनी गुरु माँ मानकर मैंने उनके जैसे वो बताती आँख बंद करके मैं कर लेती हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं पूछती कि माताजी इसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कहती हैं ऐसा करो, हम बस कहते हैं जी माँ गुरु माँ, और हम कर लेते हैं, और मेरा वो सारा काम बनता ही चला गया। तो जब अगर मेरा काम इतनी जल्दी बन सकता है, तो बाकी जो हमारी तरह लोग हैं जो परेशान हैं, उनका भी काम जरूर बनेगा। बस यही है कि आप लोग भगवान में आस्था बनाए रखिए और माता जी के संपर्क में रहिए। जय सीताराम जी। पैसे कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को कमाते रहना ये सबसे कठिन बात है। अब माता लक्ष्मी चंचला है, टिकती क्यों नहीं? मैंने एक कहानी सुनी है, छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, उसके बाद उपाय में आएंगे। भारत के एक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। पति का नाम था रमेश और पत्नी का नाम था सुरेखा। रमेश जो था वो टेलर का काम करता था, यानी कि लोगों के लिए कपड़े सीता था। उसके हाथ में बहुत हुनर था, वो बहुत अच्छे कुर्ते बनाया करता था। लेकिन जैसे जैसे बाहर से सामान आने लगा और लोग रेडीमेड गार्मेंट्स खरीदने लगे, रेडीमेड कपड़े पहनने लगे, तो धीरे धीरे उसका काम कम होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि उसे अपना व्यापार बंद ही करना पड़ा। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि क्यों ना हम काम को बदल ले, हमारे यहाँ कितना बड़ा बागीचा है, कई सारे फूल और पौधे भी हैं, क्यों ना तुम लोगों के पास जाके उनको ये पौधे बेचो। रमेश ने सोचा कि पत्नी की बात मान के देखते हैं, वैसे भी इस समय खाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो कुछ पौधे लेकर के बाजार में गया। पहले दिन वो लटका के आया, पत्नी ने पूछा तो उसने दुखी दुखी कहा कि ये काम भी मुझे लगता है नहीं चलेगा। पत्नी ने कुछ ढांढस बंधाया और कहा अरे ऐसा नहीं है, तुम काम करते रहो, एक दिन जरूर चलेगा। उसने फिर से अगले दिन जाकर के देखा, उसके एक दो पौधे किसी तरीके से बिके। फिर से वो लटकाया हुआ घर आया, मुझसे नहीं हो रहा, पत्नी ने फिर समझाया अरे नया काम है, समय लगता है। फिर हिम्मत बांध के अगले दिन गया। धीरे 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 जैसे जैसे लोग उसके बारे में जानने लगे, उसके पौधे एक एक दो दो करके बिकने लगे। लेकिन अभी भी इतना धन नहीं मिलता था जिससे पर्याप्त वो अपना घर का खर्चा चला सके। फिर एक दिन उसे मालूम हुआ कि शहर में उसके पौधों की बहुत सारी कीमत मिल सकती है, शहर के लोग पौधे खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। तो वो शहर जाने लगा। इतना पैसा तो था नहीं कि वो किसी बस में या किसी गाड़ी में या किसी मोटर बाइक पे जाके, उसके पास साइकिल भी नहीं थी, बेचारा पैदल ही शहर जाता और वहां पौधे बेच करके वापस आता। बहुत मेहनत की और धीरे धीरे शहर में उसका पैर जमने लगा, उसके पास उसके पौधे बिकने लगे। पति पत्नी दोनों ही खुश हो गए कि चलो अब ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, उसको सेट हो गया। उन्होंने अपने घर में और ज्यादा अपने बागीचे में क्यारियां लगानी, पौधे लगाने शुरू कर दिए। अब जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो जाता है, आसपास के लोगों को वो बहुत चुभने लगता है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए, यानी उसके जैसे सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए दूसरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और केवल टांग खींचने में उसे अपने लेवल पे वापस लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। और भारतीय लोग तो आपको पता ही है कितने आलसी होते हैं, तो उन्होंने यही एक स्ट्रैटेजी अपना रखी है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे वापस खींच। तो उसका एक मित्र था, नाम था उसका मडुका। वो जब आने जाने लगा अपने मित्र के घर में, अपने दोस्त के घर में, उसने देखा यहाँ तो बहुत पैसा आ रहा है। उसकी पत्नी आई, पत्नी ने देखा अरे अब तो सुरेखा के पास सब कुछ है, घर वो अच्छा हो गया, गाड़ी उसके पास हो गई, इतनी सारी ज्वेलरी हो गई, सोने चांदी के आभूषण पहनती है, इतने अच्छे कपड़े पहनती है। उसे बहुत बुरा लगा, जाकर के उसने अपने पति को फटकार लगाई, अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, देखो रमेश भाई साहब को कितना कुछ करते हैं।
वो अपनी पत्नी को कितना खुश रखते हैं, कितना कुछ लाके देते हैं, और तुम हो कि पूरे दिन घर में पड़ी रहते हो। तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो तुम भी कोई और काम ढूंढो। लेकिन मडू का ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, ये केवल चाहता था कि वो रमेश को वापस उसके ही हिसाब पर ले आए। उसने रात में जो उसकी पत्नी ने उसे खरी खोटी सुनाई, उसकी सारा बदला उसने रमेश से जाके लिया। रात में उसने रमेश का सारा बागीचा तोड़ फोड़ दिया, उसके सारे पौधे उखाड़ फेंके। रमेश बेचारा बहुत दुखी हुआ, सुरेखा बहुत दुखी हुई, दोनों रोने लगे, हम तो बर्बाद हो गए, इतना पैसा लगाया था हमने इस सब बागीचे में, ये पौधों को बढ़ाने में इतना समय इतना पैसा, अब हम क्या करेंगे। तब उन्हें याद आया कि उनके गांव में एक संत है, उनके पास गए और जाकर के अपनी पूरी समस्या बताई। संत ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास से तुम जाप किया करना, अवश्य ही तुम्हारे दिन फिरेंगे। रमेश ने वैसा ही किया, वो रोजाना उस मंत्र का जाप करता रहता और अपने काम में फिर से लग गया। इधर जाता उधर जाता, किसी न किसी से कुछ उधार पैसे मिल जाए ताकि फिर से वो अपना बागीचा लगा सके। और एक दिन काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद ईश्वर ने उसकी सुनी, उसे कुछ पैसे किसी से उधार भी लिए, उसने वापस अपना बागीचा प्रारंभ किया। रमेश को कर्जा चुकाना था, रात दिन उसे नींद नहीं आती, बहुत मेहनत करता, लेकिन उसने ईश्वर से विश्वास नहीं खोया। वो रोजाना पूरी श्रद्धा विश्वास से उस मंत्र को जाप करता और एक दिन चमत्कार हुआ, देवी मां प्रकट हुई। उन्होंने कुछ बीज उसको दिए और कहा कि मेरा आशीर्वाद जब तक ये पौधा तेरे पास रहेगा, जब तक तू इसका ख्याल रखता रहेगा, इसी श्रद्धा और विश्वास से अपने मंत्रों को पढ़ते हुए तुझे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने रमेश ने उन बीजों को धरती में गाड़ दिया और रात भर में ही वो पौधा बड़ा हो गया, उसमें से फूल खिले और फूल में से 2000 का नोट उगा। अब ये कहानी है, इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन इसका मर्म समझिए, मीनिंग समझिए, मीनिंग बहुत अच्छा है। अब 2000 का नोट आया, सुरेखा ने देखा, अपने पति को बताया कि ये तो चमत्कारी पेड़ है, इससे रोजाना पैसे आएंगे, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम घर पे बैठो आराम करो। लेकिन रमेश ने कहा, नहीं, ये जो पैसा है ये पैसे का पूरा अधिकारी मैं नहीं, जो भी हमें अपने काम में लगाने के लिए आवश्यकता है हम इससे लेंगे, काम भी करेंगे और जो पैसा बचेगा हम उससे दान पुण्य करेंगे। पत्नी सुरेखा अपने पति का साथ देने लगी और उन्होंने ऐसा ही किया, वो अपने व्यापार में उस पैसे को लगाते और बाकी बचे हुए पैसे को वो धर्म कर्म में लगाते थे। धीरे धीरे रमेश का सारा कर्जा उतर गया, इस बार उसके पास एक नहीं 3 बगीचे हो गए। वो लोगों को खाना खिलाता, उनको कपड़े देता, उनको कंबल बांटता, जो करीब उसके पास आता उसकी सहायता करता। अब लोग उसे धर्मात्मा कहने लगे। अब मडुका से ये देखा नहीं गया, पहले तो केवल पैसा था, अब तो इसके पास नाम सम्मान भी हो गया। वो चुपचाप उसके घर में गया और रात में उसने उस पौधे को देखा, पौधे में से 2000 के नोट लटक रहे थे, उसने उस पौधे को ही चुरा लिया और चुरा के अपने घर ले आया, सो गया और उसने सोचा, अब तो मैं अमीर हो गया, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सुबह क्या देखता है कि उसके पूरे घर में सांप ही सांप, वो उसकी पत्नी दोनों बिस्तर पे चढ़ गए, डंडे से सांप को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांप जा ही नहीं रहे थे। पत्नी ने उससे पूछा कि तुम रात भर कहां थे, उसने पूरी कहानी बताई। पत्नी समझ गई और मडुका को कहा कि ये पौधा तुम उनको लौटाया। जैसे ही वो पौधा रमेश को लौटाया मडुका ने, वो सारे सांप चले गए। अब आपके साथ कोई ऐसा करे, आपका दोस्त, आप क्या करोगे, उससे दोस्ती तोड़ लोगे ना, लेकिन यही तो गलत है। मडुका की परेशानी को समझा रमेश ने और उस रमेश ने मडुका को कुछ पैसे दिए,
उसके अपने साथ काम खुलवाया और उसकी भी तरक्की में योगदान दिया और अपने अच्छे स्वभाव से उसने मनुका को भी परिवर्तित किया, उसके जीवन में भी अच्छाई लाया। कहने का अर्थ केवल इतना है कि धन कमाओ लेकिन धन की इच्छा जो है वो केवल अपने तक सीमित ना रखो। मनुष्य धर्म परमो धर्म, मेरा तो एक ही मानना है, तुम पूजा पाठ करो मत करो गुरु माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। तुम ईश्वर को याद करो मत करो उसके लिए मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन मनुष्य होके मनुष्य धर्म का पालन करते रहो, ये मेरी इच्छा है हमेशा हर एक शिष्य से, हर एक भक्त से। जब भी तुम्हें लगे जितना तुम्हारे सामर्थ्य में हो दूसरे की सहायता करो, भगवान तुम्हारी सहायता को अवश्य आएंगे। देवी माँ तुम्हें भी ऐसा मनी प्लांट देंगी, जितना अच्छा कर्म करोगे उतना धन तुम्हें प्राप्त होगा। तो धन बुरा नहीं है, धन की इच्छा करना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जगह खर्च किया हुआ जो धन है वो हमें अर्थ कहलाता है, हमें सुख देता है, शांति देता है, और गलत तरीके से कमाया हुआ, गलत जगह खर्च किया हुआ धन अनर्थ होता है, हमें हमेशा ही दुख देता है। आज तुम्हें शायद ना पता चले, किसी को देखते हो कि वो तो कितना अधर्मी है, कितने पैसे कमा रहा है, लेकिन तुम कुछ सालों बाद उसी को देख लेना, वो व्यक्ति तुम्हें दुखी और परेशान जरूर मिलेगा। और अगर दुखी परेशान नहीं मिल रहा तो ये समझ लो कि वो अच्छे कर्म कर रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं, वो अपने पुण्य कर्मों से अपने पाप कर्मों को काट रहा है। इसलिए पुण्य कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, वही सबसे बढ़िया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वो चीजें और कैसे आपने रखनी है अपने पर्स में, ताकि धन की कमी आपको कभी ना हो। लेकिन फिर बताऊंगी, अगर बुरे कर्म करोगे तो धन कभी नहीं टिकेगा, अच्छे कर्म जरूर करना, भगवान आपको बहुत सारा पैसा देंगे। इस उपाय को करने के लिए आप कोई शुक्रवार का दिन चुनिए, अगर पूर्णिमा का दिन मिले तो भी अच्छा है, अगर शुक्रवार पे पूर्णिमा हो तो ये तो अति उत्तम है। और अगर आप थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या फिर पंचांग देखना जानते हैं तो जिस समय शुक्रवार पड़े उस दिन पूर्णिमा पड़े और तुला या वृषभ लगन में ये कार्य किया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। साथ ही अगर इस उपाय को आप किसी स्त्री के हाथों कराएं, यानी कि वो स्त्री उस उपाय को करके आपको दे और आप अपने पर्स में रखें, या कोई कवारी कन्या या छोटी बच्ची, आपकी अपनी बेटी भी हो सकती है, उसके द्वारा कराएंगे तो भी ये बहुत सुफल प्रदान करेगा। इस उपाय को केवल एक बार करना है, पर्स इसके लिए नया खरीद ले तो अच्छा है। अपने नाम के अनुसार, नाम अक्षर के अनुसार या राशि के अनुसार आप अपना लकी कलर का पर्स लें, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। इस उपाय को करने के लिए आपको एक भोज पत्र चाहिए। भोज पत्र यदि आपको पता नहीं है तो पेड़ की जो छाल होती है उससे जो कागज बनाया जाता था प्राचीन काल में वो भोज पत्र कहलाता है, उसे पवित्र मानते हैं तो उसका ही प्रयोग करें। कोई एक भोज पत्र अपने पास ले आए, उसको छोटे से चकोर में, छोटे से स्क्वायर में आपने काटना है, इतना ही साइज जितना आपके पर्स में वो आ जाए। ऐसे किसी पॉकेट में उसे रखें जहां बार बार आपको छूना ना पड़े, हाथ ना डालना पड़े और वहां पर वो पड़ा रहे, आपको और कुछ उसमें नहीं डालना है। उस भोज पत्र पे आपने जो मोर का पंख होता है उसकी कलम बनानी है, उसकी कलम से आपने एक स्याही बता रही हूँ, वो स्याही खुद बनाए, उस स्याही से आपने ये यंत्र जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ये बनाना है। पहले स्याही की विधि समझा देती हूँ। आप लाल कुमकुम या कि रोली भी जिसे कहते हैं वो लेकर के आए, उसमें थोड़ा सा केसर युक्त चंदन, या अगर आपको अष्टगंध मिल जाए तो सबसे अच्छा है, अष्टगंध थोड़ा मुश्किल है प्राप्त करना, तो आप जो केसर युक्त चंदन होता है, चंदन पाउडर, वो मिला लें। और इत्र जो आता है मोगरे का इत्र लेकर के आना है, वो मोगरे का इत्र आपने मिलाना है और पानी नहीं डालना है, इत्र से ही आपने उसको घोलना है। और मोर की जो पंख है उसकी जो कलम है उस कलम से ही आपने यंत्र, दोबारा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस यंत्र को बना लेना है। इसे बनाने के बाद आपने एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर उतना ही उसको नाप ले, उसके दो टुकड़े, ताकि आपको इसे सिल के बंद भी करना है, और उसमें आपने तीन चीजें डालनी है अपने नाम और राशि के अनुसार। चलिए जानते हैं कौन सी है वो तीन चीजें, फिर उसको सिल के आपने उस लाल कपड़े को बंद कर देना है और अपने पर्स में आपने डाल लेना है।
अगर आपके नाम का पहला अक्षर स से शुरू होता है तो आपने एक ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का पर्स लेना है, बैग लेना है या वॉलेट लेना है। उसके अंदर आपको यंत्र के साथ साथ तीन चीजें और डालनी है। सबसे पहले एक स्टील का कॉइन, स्टील ना मिल रही हो कॉइन लेना है, स्टील का टुकड़ा मत डालिएगा। नहीं मिल रहा हो तो आप सिल्वर का भी डाल सकते हैं। सिल्वर का कॉइन भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उस पे माता की या गणेश जी की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको डालनी है दो लौंग, उसके साथ ही आपको डालनी है एक इलायची। यंत्र के साथ रखिए, उसे बंद कर दीजिए, उसे पर्स में डालिए और फिर देखिए आपके साथ क्या चमत्कार होता है, कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपको प्राप्त होती है। इस उपाय को करिए, आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा, जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। बाकी अगर कोई ग्रह पीड़ा आपको सता रही है, कोई ग्रह का दोष आपको लगा है, तो आपकी गुरु माँ आपके पास है। आप हमारे शनिपीठ मंदिर में फोन करिए और हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। बाकी अगर आप हमारे शनिपीठ मंदिर के बारे में, मेरे बारे में या हमारी संस्था के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे वीडियो में एक लिंक दे रही हूँ, उसको ढंग से देख लीजिएगा, आप हमारे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। चलिए आज के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं, आज की इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। ईश्वर आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, धन संबंधी कोई समस्या आपको कभी भी ना हो और कर्जे आपके शीघ्र ही हट जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हुए जय शनि। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।